हेलो डियर पेरेंट्स, कैसे हो? जय माता दी। आज मैं आपके साथ आपके घर के नन्हे मुन्ने प्यारे से बेबी के लिए फाइबर, प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर हेल्दी फूड की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर दोस्तों आपका बेबी बार बार बीमार होता है, सर्दी जुखाम की समस्या रहती है, तो इस फूड को खिलाएंगे तो वो भी आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो चलिए फटाफट से इस हेल्दी फूड को बनाना तैयार करते हैं। एक मिक्सिंग बाउल में 4 छोटे चम्मच घर का रेगुलर राइस ले लिया है और चावल को साफ पानी से 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक बाउल में और एक खजूर ले लिया है जिसकी गुठली निकाल ली है। 4 से 5 किशमिश ले लिए हैं, उन्हें अच्छे से चॉप कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे आधी स्लाइस संतरी गाजर ले ली है और आधा स्लाइस ही सेब ले लिया है जिसके छिलके निकाल के अच्छे से धो लिया था। अब दोस्तों साफ पानी 200 ml के करीब ले लेंगे और उसे बाउल में ऐड कर लेंगे। अब गैस की फ्लेम ऑन करते हुए गैस के ऊपर प्रेशर कुकर रख लेंगे और जो दोस्तों हमने सारी सामग्री एक बाउल में निकाल के रखी थी उसे प्रेशर कुकर में ऐड कर लेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम कर लेंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा लेंगे और 5 से 6 सीटी इस फूड में आने देंगे। और दोस्तों यकीन मानिए, बेबी को यह फूड बहुत ही पसंद आता है और बेबी की इससे इम्यूनिटी मजबूत हो जाएगी। और अगर आपका बेबी 1 ईयर से ऊपर है तो आप इतनी क्वांटिटी में अपने बेबी को यह फूड आराम से दे सकते हैं। और आप इस फूड को अपने बेबी को ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किसी भी टाइम आसानी से बनाकर दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 5 से 6 सीटी लगभग आ चुकी है। 10 से 15 मिनट तक फूड को ठंडा होने देंगे और उसके बाद दोस्तों अब प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल के देख लेते हैं जो हमने बेबी के लिए फूड तैयार किया है वो किस तरीके से बनकर रेडी हुआ है। तो देख रहे होंगे दोस्तों बेबी के लिए सुपर फूड बनकर तैयार हो गया है। बस अब मैशर की सहायता से फूड को अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो इसे मिक्सी ग्राइंडर में भी इसकी एक फाइन सी प्यूरी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों हमने आधे कप के बराबर काओ मिल्क ले लिया है। जो बेबी के लिए आप दूध यूज कर सकते हैं वो इस फूड में आप अपने बेबी को दे सकते हैं। और दोस्तों फूड की कंसिस्टेंसी आप अपने बेबी के फूड के हिसाब से कर लीजिएगा, क्योंकि कई बेबी ऐसे होते हैं जो बहुत पतला फूड खाना पसंद करते हैं और कई बेबी ऐसे होते हैं जो गाढ़ा फूड खाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कितने कम समय में आपके बेबी के लिए कितना सुपर और हेल्दी फूड बनकर तैयार हो गया है। आप यकीन मानिए यह फूड आपके बेबी को पसंद आएगा और आप अपने बेबी के लिए इस फूड को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अपने शिशु को फूड खिलाने के लिए रेडी कर लेते हैं। जो मेरी शिशु है वो 1 ईयर की कंप्लीट हो चुकी है, उसी के लिए ये हेल्दी फूड बनकर तैयार हुआ है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरे द्वारा बताई गई हेल्दी फूड की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आसानी से मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।